The question is, test the convergence of the series whose nth term is un is equal to 2 square, 4 square, 6 square, up to कहाँ तक है? 2n minus 2 whole 2 divided by (3×4×5)(2n-2)(2n-1)(x^2n). ये आपका क्वेश्चन है। नाउ एक नोट में आपको याद रखना है, कोई भी सीरीज आपका है, ये अभी अलग से लिखोगे आप, कोई भी आपको यूएन दिया गया है, आपका काम होता है स्टार्ट विथ विच टेस्ट, बताया है मैंने, कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है आपको? बार बार एक्सप्लेन किया है मैंने, जल्दी बताइए, सबसे पहले कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? डी एलम्बर्स टेस्ट। यस, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? सबसे पहले आपको डी एलम्बर्स टेस्ट लगाना है। अब क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज जा रहे हैं, तो आपको पता है अभी रैबीज टेस्ट से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं, लेकिन नोट में आपको याद रखना है रैबीज टेस्ट कब अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई, ऐसे लिखते हैं, वी अप्लाई रैबीज टेस्ट व्हेन डी एलम्बर्स टेस्ट फेल्स। फेल्स मतलब जब एल इक्वल टू वन आ जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, प्रोडक्ट के फॉर्म में लगा लिखा हुआ है, तो हम लोग लगाएंगे डी एलम्बर्स टेस्ट, वो फेल करेगा, देन वी विल अप्लाई रैबीज टेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी एलम्बर्स टेस्ट का स्टेटमेंट कोई बता सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ डी एलम्बर्स टेस्ट, याद करते जाइए, ये सब देखने का जरूरत नहीं होगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un प्लस 1 by un is equal to l, बता सकते हैं? un by un plus 1 is equal to l, then convergent होगा, यस convergent if l is less than 1, क्योंकि रैबीज टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप एग्जाम में ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सुटेबल होगा। un by un plus 1 आपका रैबीज टेस्ट और ऑनवर्ड जितना भी टेस्ट होता है उसमें यूज होता है, इसलिए ट्राई कीजिए un by un plus 1 करके निकालने का। तो l less than 1 पे कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है l greater than 1 पे। और दिस इज डी एलम्बर्स टेस्ट एंड रैबीज टेस्ट। Limit n tends to infinity n into un by un plus 1 minus 1 equal to l. Convergent kab hoga? L greater than 1. L greater than 1 pe. Tab upar wala wrong hai aapka tab. यहाँ un by un plus 1 लिखा है तो l less than 1 होगा। यस मैम, ऊपर वाला un n plus 1 by
un है. हाँ तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स कर दिया था क्योंकि वो इसमें यूज होगा, रैबिस टेस्ट में भी यही फॉर्म यूज करता है, इसलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया. तो यहाँ भी कन्वर्जेंट होगा व्हेन एल ग्रेटर देन वन, और यहाँ भी कन्वर्जेंट होगा व्हेन एल ग्रेटर देन वन, और लेस देन वन पे डाइवर्जेंट हो जाएगा. तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए इस स्टेटमेंट को. डीएलएम्बर्स टेस्ट का भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेटमेंट को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसके बाद का जितना भी टेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसमें यूएन बाय यूएन प्लस वन यूज होता है, यूएन प्लस वन बाय यूएन यूज नहीं होता. दो टाइप का स्टेटमेंट बुक में दिया हुआ है इसलिए हम लोग दोनों को डिस्कस करते हैं, बट बेटर होगा आप यूएन बाय यूएन प्लस वन निकाल के बताइए. और एल ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट है, एल लेस देन वन पे डाइवर्जेंट है. और डीएलएम्बर्स टेस्ट तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके बताइए कन्वर्जेंट आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है या टेस्ट फेल कर रहा है. क्या स्टेप्स होगा डीएलएम्बर्स अप्लाई कर रहे हैं तो? Here un is equal to 2 square, 4 square, 6 square, 2n minus 2 square divided by 3, 4, 5, 2n minus 2, 2n minus 1, x to the power 2n. यही था. Next क्या करेंगे हम लोग? DLMS लगाना है. Next क्या करेंगे? स्टेटमेंट सारा लिखा दिया मैंने. यूएन है फिर क्या करना होगा? यूएन प्लस वन फाइंड करेंगे. यूएन प्लस वन फाइंड आउट करेंगे. सबको लिख लिया अपने कॉपी में यूएन प्लस वन क्या होगा? अपने से सॉल्व कीजिए, कॉपी में लिखिए. अभी मैं लिखूंगी तो वेरीफाई कीजिए आपने सही लिखा है या नहीं. बुक का या वीडियो लेक्चर जो शेयर किया गया है उसका हेल्प नहीं लेना है. अपने से ट्राई कीजिए लिखने का कि आप un प्लस वन लिख पा रहे हो या नहीं. फिर जब मैं लिखूंगी आप वेरीफाई करोगे आपने सही लिखा था या नहीं. लिख लिया सबने कॉपी में? यस मैम. बताइए क्या लिखा. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? un प्लस वन में मैंने कहा है पहले आपको nth टर्म जो दिया हुआ है un वो लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? n इज रिप्लेस्ड बाय n प्लस वन, राइट? यस मैम. सबका यही आया वैल्यू? डिनोमिनेटर इसमें भी आप nth टर्म को एज इट इज लिख दीजिए. अब यहां पे भी n रिप्लेस होगा n प्लस वन से, यहां भी n रिप्लेस होगा n प्लस वन से. समझ के बनाइएगा तो फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा. x में भी n रिप्लेस्ड बाय n प्लस वन, तो x टू द पावर टू n प्लस वन. राइट, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या बन जाएगा? 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 2n माइनस 2 होल स्क्वायर. यहाँ क्या आ जाएगा? बताइए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या मिल रहा है?
मैम टू एन का स्क्वायर डिनोमिनेटर थ्री फोर फाइव टू एन माइनस टू टू एन माइनस वन यहाँ पे क्या होगा आई थिंक टू एन पे होगा टू एन प्लस वन प्लस वन एक्स टू द पावर टू एन प्लस टू राइट देन डी एलम्बस लगाने हैं वो भी हम लोग यू एन एंड यू एन यू एन बाई यू एन प्लस वन निकालेंगे नाउ वैल्यू ऑफ यू एन बाई थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना होगा बड़ा टर्म है आपके पास इसलिए थोड़ा साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे और ऐसा लिखेंगे कि एक लाइन में आपका एडजस्ट हो जाए नाउ यू एन बाई यू एन प्लस वन इज टू स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर अपने से लिखते जाइए कॉपी में एंड यहां से वेरीफाई करते जाइए आपका भी आ रहा है या नहीं ये रिवर्स हो जाता है un by un plus 1 लिख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 3, 4, 5 2n minus 2 2n minus 1 2n 2n plus 1 divided by 2 square, 4 square, 6 square 2n minus 2 square 2n square x to the power 2n divided by x to the power 2n plus 2 कोई प्रॉब्लम छोटा छोटा लिखना है इस टाइप से कि आपका एक लाइन में कॉपी में एडजस्ट हो जाए सिंप्लीफाई करके बताइए मुझे क्या बच रहा है मैम ये x टू द पावर 2n प्लस 2 कहाँ से आया यू एन प्लस वन में था ना यू एन बाई यू एन प्लस वन किया है तो x वाले टर्म को अरेंज करके हम लोग एक साइड में लिख दिए यू एन में x टू द पावर 2n है यू एन प्लस वन में x टू द पावर 2n प्लस 2 आया मैम x टू द पावर 2n है तो उसका n प्लस 1 टर्म्स लिखेंगे तो x टू द पावर 2n भी लिखेंगे और x टू द पावर 2n प्लस 1 भी कैसे रिप्लेस करते हैं आपको मैंने अच्छे से लिख दिया है n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना है तो 2 के बाद ब्रैकेट डालना है और n प्लस 1 लिखना है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 2n प्लस 2 तो मैम x टू द पावर 2n भी वहां पे लिखाएगा ना सेकंड स्टेप में वो सीरीज में नहीं है वो एक सीरीज तो नहीं है वो सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म का अलग कॉन्सेप्ट चलता है सिंगल टर्म में केवल उस टर्म में आपको n प्लस 1 रिप्लेस करना है x टू द पावर 2n नहीं लिखना है और ये आपका एक सीरीज चल रहा था 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर तो सीरीज चल रहा है तब आपको सारा टर्म nth टर्म लिख के n प्लस 1th टर्म लिखना है बट x तो एक सिंगल टर्म है ना तो उसमें आपको x टू द पावर 2n नहीं लिखना है डायरेक्टली n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना है क्लियर है एक क्वेश्चन तो मैंने डी एलम्बस में ऐसा किया था जहां आपको कंफ्यूजन हुआ था yes, ma'am. जहां सीरीज नहीं है वहां पे आपको डायरेक्टली करना है जस्ट n रिप्लेस्ड बाई n प्लस 1 प्रैक्टिस कीजिए इसलिए बोला जा रहा है जितना एग्जाम्पल है जितना एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डी एलम्बस टेस्ट रैबीज टेस्ट जितना एग्जाम्पल है जितना एक्सरसाइज है अपने से बनाइए बार बार बनाइए जब तक क्लियर ना हो ठीक है अब बताइए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा है 2n plus 1 divided by 2n दिखाओगे दीज टर्म आर कैंसल आउट ठीक है एकदम नीटली काटना है और एक 2n कटेगा यहाँ से तो वी आर लेफ्ट विथ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर
नाउ आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है. अब बताइए लिमिट कितना आ रहा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस वन. इसका वैल्यू बताइए. डायरेक्टली नहीं लिखना है, अगेन थोड़ा सा आपको प्रोसेस करके दिखाना है हम लोग क्या किए. तो आप 2n भी कॉमन ले सकते हो, n भी कॉमन ले सकते हैं. इट इज 2 प्लस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई 2n, n कैंसल आउट. तो जैसे लिमिट डालेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 बाई 2 ये भी कैंसल आउट हो जाएगा. तो वी आर लेफ्ट विथ 1 बाई एक्स स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है सारे स्टेप्स? यस मैम. यस यस मैम. डी'एलेम्बर्ट टेस्ट से बताइए ये जो वैल्यू आया है ये कन्वर्जेंट कब होगा. लेस देन वन. अगेन स्टेटमेंट डिफर कर रहा है आपका. यू एन वाई यू एन प्लस वन हमने निकाला है. तो एल का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू क्या निकला है? 1 by x square is greater than 1 by x. The series summation un is convergent if 1 by x square is greater than 1 by x square is greater than. Yes, जो भी वैल्यू आएगा वो greater than 1 होगा क्योंकि x के टर्म में है. तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, x नहीं रहता तो एग्जैक्टली आपको एक वैल्यू मिल जाता 1. तो 1 तो नहीं आ रहा है क्योंकि x के टर्म में है. तो जो भी वैल्यू आया है l के जगह पे है 1 by x square. तो l greater than 1 पे कन्वर्जेंट होगा. तो 1 by x square is greater than 1 पे कन्वर्जेंट होगा. यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है. x पे कंडीशन बता सकते हैं क्या होगा? अगर 1 by x square greater than 1 है तो x कैसा होना चाहिए? वन बाई एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन वन है तो एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वन. एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है? पहले तो ऐसे लिखेंगे हम लोग. एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में. नहीं दिया. दिया है मैम, x being non negative सिर्फ दिया हुआ है. लिखा है ना? यस. वही कुछ कंडीशन दिया है. तो x अगर non negative है मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है. तो अगर x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 है तो x कैसा होगा? लेस देन और इक्वल्स टू 1. प्लस 1 माइनस 1 नेगेटिव नहीं ले सकते हैं बोला ना. यस मैम. तो प्लस वन सिर्फ नहीं, प्लस वन होगा. दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन 1. यानी ये कंडीशन आ गया आपका कन्वर्जेंट का. व्हेन x इज लेस देन 1 आपका सीरीज कन्वर्जेंट होगा. अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो आपका प्लस माइनस 1 लिखना पड़ता. एंड डाइवर्जेंट इफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1. दैट मीन्स x square is greater than 1. That means x is greater than 1. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And test fails if 1. Yes, ma'am.
वन, देन un कितना हो जाएगा, x नहीं लिखना है अब आपको, x वन हो चुका है, राइट सब आपका निकला हुआ है, जस्ट आपको कॉपी करना है। un प्लस वन भी आपने ऊपर निकाला हुआ है, जस्ट आपको x का टर्म नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं x जब 1 हो गया है, तो un प्लस वन ये भी आप निकाले हुए हो, डायरेक्टली उसको कॉपी कर दीजिए जो फाइनल आंसर आया था। ये भी आपने डिवाइड किया हुआ है ऊपर, कितना आया था वैल्यू, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं तो वैल्यू वन आया है, ये भी आपने किया हुआ है, अगर एक्स नहीं रहता तो वन आ जाएगा ना लिमिट, यस मैम, तो वन तो हमें चाहिए नहीं, वन पे आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब हम लोग रैबीज टेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, तो रैबीज टेस्ट में un by un plus 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस वन, तो सबसे पहले दोनों साइड में माइनस वन करके देखिए क्या आ रहा है, यहाँ सिंपलीफाई करके बताइए, वन बाई टू एन, टू एन जाएगा एलसीएम, टू एन टू एन कैंसिल, वन बाई टू एन, और आपका स्टेटमेंट है रैबीज टेस्ट क्या है, मैम रैबीज टेस्ट में एन से मल्टीप्लाई भी रहता है, टू एन प्लस वन बाई टू एन माइनस वन, स्टेप बाई स्टेप जाएंगे, डायरेक्टली नहीं जाएंगे, एक ही साथ सब काम करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक एक करके काम करना है आपको, un by un plus 1 निकालना है, देन माइनस वन करके सिंप्लीफाई करना है, देन एन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक साथ करेंगे तो कुछ स्टेप आपका मिस्टेक हो जाए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग एन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, वन बाई टू, वन बाई टू, यस मैम, लिमिट निकालिए एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, n un by un plus 1 minus 1 is 1 by 2 ही आएगा, वन बाई टू ही आएगा ना, राइट में तो n का टर्म बचा नहीं था, वन बाई टू कैसा, वन बाई टू कैसा, कैसा नंबर है, लेस देन वन, जो आपका कंडीशन है उसके हिसाब से चेक करना है, तो 1 by 2 is less than 1, तो क्या हो गया रैबीज टेस्ट के अकॉर्डिंग, डाइवर्जेंट, यहाँ लिख रही हूँ दिखेगा, यस मैम, तो बाय रैबीज टेस्ट द सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट, कब, एक कंडीशन और है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन लिए थे तब आया, अब आपके पास एक ये स्टेटमेंट मिला है यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट लिखा है, और एक ये, दोनों को कंबाइन करके आपको एक फाइनल रिजल्ट देना है, तो कन्वर्जेंट कब कब आया, एक ही केस में कन्वर्जेंट आया ना, When x is less than 1, और जब x is greater than 1 है तब divergent आया है, और when x is equal to 1 है तो divergent आया है, तो mix करके आपको एक साथ लिखना है, hence summation un is convergent if x is less than 1
एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. क्लियर है? यस मैम. दो आपको मिलता है, एक यहाँ मिलता है, और x इक्वल टू वन पे क्या आया वो मिला के आपको एक कंबाइंड आंसर लिखना होता है. तो यहाँ डाइवर्जेंट आया है तो इसको और इसको मिला के एक साथ लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट होगा और लेस देन वन पे कन्वर्जेंट होगा. एक क्वेश्चन में और लिख रही हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, और जिनका भी पहले सॉल्व हो जाए व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा. अपने से बनाइए, और जितना एग्जाम्पल जितना एक्सरसाइज है हर एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, तब आपको क्लियर होगा. देखने से समझ में नहीं आता है, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तब आपको प्रॉब्लम होगा. इसको ट्राई कीजिए आप, x बाय टू, वन बाय टू, थ्री बाय फोर, एक्स क्यूब बाय सिक्स, वन बाय टू, थ्री बाय फोर, फाइव बाय सिक्स, एक्स टू द पावर फाइव बाय एट, प्लस ऑन टू इन्फिनिटी. क्वेश्चन एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन क्या है, x पे कुछ कंडीशन दिया है कि नहीं, पहले अपने से बना लीजिए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व दिस अपने से. अभी एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, और जिसका भी पहले हो जाएगा स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दोगे.